सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, तीन तीन युद्ध हुए, लेकिन कभी जल का फ्लो जो संधि थी उसे नहीं रोका। भारत ने बहुत मौके दिए, बारंबार मौके दिए, लेकिन अब ये भारत बताने को तैयार हो गया है कि पाकिस्तान तुम्हारी जगह क्या है। और कूटनीतिक स्ट्राइक, वाटर स्ट्राइक भारत ने की, आपको याद होगा किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, और अब उसकी जगह कूटनीतिक स्ट्राइक यहां पर की गई है। और स्ट्राइक के जरिए बता दिया गया है पाकिस्तान को कि किसी भी तरह से अगर कोशिश की आगे बढ़ने की, चाहे सरहदों पर या ये कोशिश हिमाकत की संबंधों पर और ज्यादा आग डालने की, मिर्ची डालने की, तो भारत पूरी तरह से माकूल जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये बदला हुआ भारत है। ये भारत जगह बता रहा है पाकिस्तान को, और बार बार बता रहा है, और पाकिस्तान अब भी कान बंद किए हुए। लेकिन आपको सबसे पहले बताएं कि हुआ क्या है, क्योंकि जो घटना अब पाकिस्तान के साथ जो होने वाला है ना, पाकिस्तान उसके लिए तैयार नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल आपको दे देते हैं। दरअसल भारत ने कह दिया कि अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान जो लगातार धोखा देता है, जिसके खून में धोखा है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। पाकिस्तान जो सिर्फ और सिर्फ आतंक की ही भाषा जानता है। पाकिस्तान जो अपने नापाक मंसूबों के लिए सरहद पर बार बार सेंधमारी करता है, अभी भी तस्वीरें दो दिन पहले सामने आई थी। पाकिस्तान जो अपने पाले हुए आतंकियों के दम पर घाटी का माहौल बिगाड़ना चाहता है। चुनावों से पहले यह कोशिश की गई, लेकिन आज चुनाव हो रहे हैं और सफलतापूर्वक हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, लेकिन सरहद पर भारत के वीर जवान आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब भी देने के लिए लगातार तैयार हैं। वो जवान काफी हैं। भारतीय सेना ने घर में घुसकर पाक के पाले हुए आतंकियों को ढेर किया था, सर्जिकल स्ट्राइक, याद होगी आपको। और अब वक्त है कूटनीतिक रास्ते से भी पाकिस्तान को माकूल जवाब देने का, क्योंकि अब यह पुराना भारत नहीं है, नया भारत है, जिसे छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा बिल्कुल नहीं। और इसी के तहत भारत ने सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान को ये नोटिस जारी कर बता दिया है कि अब बहुत हुआ, पानी भी लोगे और आतंक भी फैलाओगे तो अब नए भारत में इसकी कोई जगह नहीं है। ये कान खोलकर पाकिस्तान सुन भी ले और समझ भी ले, और नहीं समझ रहा है तो वक्त आते हुए जब पानी के लाले पड़ेंगे तब ये समझ में आ जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि भारत ने रणनीति तैयार कर ली। देखिए 62 साल पहले सितंबर 1960 में जो समझौता हुआ था, सिंधु वाटर ट्रीटी जो हुई थी, उसके तहत भारत पानी देता रहा है पाकिस्तान को। जो पानी मिलता है उससे पाकिस्तान तमाम चीजें करता है, अगर हम कहें आपको तो वो एक तरह से खेती, जो प्लांट्स हैं, तमाम चीजें इसी पानी से, जो भारत से, जिसका स्रोत भारत है, वहां से ही ये पानी ओरिजिनेट होता है। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा नदियां सिंधु और सतलुज खाली चीन से निकलती, बाकी सभी नदियां जो सिंधु वाटर ट्रीटी के अंदर आती उनका स्रोत भारत ही है। और ऐसे में भारत ने अब पाकिस्तान को नोटिस भेजा है, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं कैसे वाटर स्ट्राइक की गई है। देखिए सिंधु जल संधि की समीक्षा को लेकर ये नोटिस भेजा गया है। 2017 से 2022 के बीच आपको बताएं बार बार नोटिस भेजा गया, बात के लिए बुलाया गया, 5 बड़ी बैठकें हुई, लेकिन पाकिस्तान मुंह से ले बैठा रहा। तो भारत ने अब एक्शन ले लिया है। 30 अगस्त 2024 को औपचारिक नोटिस, ऑफिशियल नोटिस अब भेज दिया गया है पाकिस्तान को। संधि का मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है। भारत अब जोर देकर यह बात कह रहा है, पहले भी मौके दिए गए थे 2017 से 2022 के बीच बातचीत करने के, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, अपने रुख पर रहता है। तो 1960 से अब तक परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। भारत भी अब यह बता रहा है कि बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ चेंज हो गया है, तो ऐसे में अब इसमें भी बदलाव का यहां पर प्रावधान करना पड़ेगा, हमें संधि में बदलाव पर विचार करना चाहिए। भारत ने यह क्लियर इंडिकेशन दे दिया है पाकिस्तान को, ये भी कहा है। पहले भी हम कहते रहे हैं कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगी, और अब हम कह रहे हैं, अब भारत कह रहा है कि आतंक और पानी साथ नहीं चल सकते, क्योंकि आतंक की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उनके पाले हुए आतंकी बार बार घुसपैठ की कोशिश करते हैं, और भारत ने अब क्लियर कर दिया है, भारत ने सीमा पार आतंकवाद को इसका कारण बताया, और ये बहुत बड़ी वजह है। आप समझिए कि लगातार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती रहती है, तो भारत ने क्लियर कर दिया है कि वो बिल्कुल भी अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसको लेकर एक तरह से रणनीति भारत की तरफ से तैयार कर ली गई है। क्लियर मैसेज तो दिया जा चुका है, पाकिस्तान भारत की उदारता का लाभ उठा रहा है, क्योंकि देखिए तीन तीन युद्ध हुए, कई बार यहां पर हम देखें एलओसी पर टेंस सिचुएशन रही, लेकिन भारत ने पानी कभी नहीं रोका। लेकिन लगता है कि पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा, और यही वजह है कि भारत अब क्लियर मैसेज देने को तैयार है। लेकिन किस संधि के तहत, किस क्लॉज के तहत भारत इस संधि में बदलाव कर सकता है, क्योंकि 62 साल 1960 में किया गया यह समझौता है। चलिए
वो जानकारी हम आपके सामने रख देते हैं कि कैसे बदलाव किया जा सकता है। देखिए वियना समझौता जो है वो उसे भारत आधार बना सकता है। वियना समझौता में क्या है, लॉ ऑफ ट्रीटीज के तहत संधि से भारत पीछे हट सकता है। ट्रीटीज का भी, जो ट्रीटीज होती हैं, जो समझौते देशों में होते हैं, उनका भी एक लॉ है। उसके तहत, वियना समझौता के तहत, यहाँ पर वो क्लॉज है लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 है, जिसका भारत हवाला दे सकता है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान से ये संधि टूट सकती है। जो क्लॉज 62 है उसके तहत ये कहा गया है कि अगर किसी तरह का तनाव होता है, किसी बात पर एक तरह से समान विचार नहीं होते हैं, तो इसको लेकर फैसला लिया जा सकता है। और भारत उसी क्लॉज को लेकर आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संधि नियमों पर यह स्पष्ट संदेश है, जिसको फॉलो करते हुए भारत आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आपको बताते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि 1960 में ऐसा क्या समझौता लिया गया, क्या है इंडस वाटर ट्रीटी, यानी ये संधि क्या है और उसमें क्या क्लॉजेज हैं जिसको भारत अब तोड़ने की बात कर रहा है। चलिए जल्दी से वो जानकारी भी हम आपके सामने रख देते हैं। आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये समझौता है क्या। देखिए 6 नदियों का पानी है जो आता है और इसके बंटवारे को लेकर ये समझौता किया गया, ये फैसला लिया गया। समझौते में साल 1960 में, मैंने आपको बताया कि 62 साल पहले सितंबर में 1960 में हस्ताक्षर हुए थे, साइन किया गया था और इसको फॉलो करने की बात कही गई थी। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के बाद ही ये जल संधि संभव हो पाई थी, क्योंकि एक टेंस सिचुएशन हमेशा ही इंडिया पाकिस्तान के बीच रही है। रावी, सतलुज और व्यास का पानी भारत को मिला। इसके अलावा आपको बताएं, सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान को दिया गया, यानी आधा आधा करके इसे बांट दिया गया। निगरानी के लिए सिंधु जल आयोग का गठन हुआ, जिसकी बैठकें हुई। मैंने आपको बताया कि 5-5 बैठकों में बुलावा भेजा गया, जिसमें नहीं आए। समझौते को लेकर हर साल मीटिंग होती है, हर साल बैठक की जाती है, समझा जाता है, चर्चा की जाती है, लेकिन इस बैठक का हिस्सा नहीं बनना चाहता पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है। और बार बार बुलावे के बावजूद पाकिस्तान नहीं पहुंच रहा है। समझौता हर साल इसको लेकर चर्चा करने का मकसद यही होता है, मंशा यही होती है कि कैसे आगे बढ़ें, कैसे इसमें चेंजेस करने की क्या जरूरत है। इसको लेकर 2017 से 2022 तक लगातार बात होती रही, लेकिन बातों का असर कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने हिस्सा ही नहीं लिया और भारत ने अब फाइनल नोटिस भेजा, यानी डिस्क्लेमर दे दिया। ये भी बता दें कि सिर्फ 90 दिन का समय है, अगर पाकिस्तान जवाब नहीं देगा इन 90 दिनों में तो भारत एक्शन ले लेगा। एक्शन किस तरह से लेने की तैयारी है आपको हम बताते हैं। पहले रूट देख लीजिए कहां से ओरिजिनेट होता है। देखिए तिब्बत से ये शुरू होता है, लद्दाख पहुंचता है और पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रास्ते ये पाकिस्तान आता है। और पाकिस्तान में किस तरह से पूरा फ्लो है इस पानी का, यानी पूरा जो पाकिस्तान का रहना खाना पीना इस पानी से निर्भर करता है। ये सबसे मजबूत वाटर बेसिन है जो पूरे पाकिस्तान में बहता है और यही पानी पाकिस्तान के लिए, देखिए शुरुआत से लेकर आखिर तक ये पानी स्रोत है जीवन का। तो पाकिस्तान समझ नहीं रहा है और भारत अब समझाने के मूड में आ चुका है, क्योंकि भारत ने बहुत मौके दिए, अनगिनत मौके दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान को बात समझ नहीं आ रही है कि आतंक के साथ चलते रहेंगे, पानी भी मिलता रहेगा, बात भी होने की बात होती रहेगी, तो अब वो संभव नहीं है। भारत बिल्कुल क्लियर कर चुका है, बिल्कुल साफ बता चुका है, अब नोटिस दिया है। और देखिए इस नोटिस की मियाद 90 दिन की है। मैं आपको बताऊं 90 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को बताना होगा, नहीं तो ये जो पानी देख रहे हैं आप, जो पूरे पाकिस्तान में फ्लो कर रहा है, पाकिस्तान के रहवासियों के लिए जो पानी की व्यवस्था है वो कट होने वाली है, वो सूखा पड़ने की नौबत आने वाली है। सिर्फ आतंक पालते रहे फिर उसके बाद तो पानी तो मिलेगा नहीं, सिर्फ आतंक ही पाल पाएंगे, ये हश्र हो जाएगा।